तहसील निगासन के क्षेत्र तिकोनिया के कृषि उत्पादन मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों का गेहूं न तुलने की समस्या को लेकर तिकोनिया क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। जब किसानों से उनकी समस्या के बारे में पत्रकार मनोज गिरी द्वारा किसानों से समस्या जाना तो किसानों ने बताया कि कृषि उत्पादन मंडी समिति में अभी भी क्रय केंद्र न खुलने के कारण किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर क्रय केंद्र खुलते भी है तो क्रय केंद्र कटा केवल नाम मात्र के लिए है जिससे किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरे किसान ने बताया कि कृषि उत्पादन मंडी समिति में दीवार मेन गेट एवं रोड के निर्माण न होने से जानवर किसानों का अनाज खा जाते हैं। किसानों का कहना है कि खेतों से लेकर मंडियों तक अनाज को जानवरों से बचाना पड़ता है। जब किसानों की समस्या को लेकर मंडी समिति सचिव सुलेमान को किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि 15 तारीख से मंडी समिति में सभी क्रय केंद्र खुल जाएंगे एवं मंडी समिति दीवार गेट एवं रोड निर्माण का कार्य चालू स्थिति में था लेकिन कोरोना बीमारी के चलते अभी सारे कार्य स्थगित किए गए हैं। पैगाम से ब्यूरो रिपोर्ट मनोज गिरी। आप लोग किसान हैं और तिकोनिया मंडी समिति में अपना जो गेहूं बेचने के लिए आए हुए हैं, इस तिकोनिया मंडी समिति में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? समस्या इधर बकरी जानवर गैया बहुत तंग करती हैं, ना इधर लाइट है ना कुछ है, बहुत परेशानी है। सेंटर बढ़ाया जाए गेहूं जल्दी, ये पीछे फड़ है खाली करें गेहूं और ढेर लगा सकें हम लोग, बहुत परेशानी है। कांटे बढ़ाने वाले ये भी बढ़ाए जाए, हम एक कांटे से हमारा नहीं चलेगा, हम लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। इस समय जो किसान हैं वो ये जानना चाह रहा है कि मंडी समिति में जो क्रय केंद्र है कब से खुलेंगे? मंडी समिति में तिकोनिया मंडी क्षेत्र में 10 क्रय केंद्र जो है आए हैं मंडी क्षेत्र में, एक मंडी यार्ड में आया है, वो 15/4 से जो है खुलने के आदेश में है। लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में 15 तारीख से जो है क्रय केंद्र। तिकोनिया मंडी समिति में किसान लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गाय भैंस बकरी हैं ये लोग घुस के गेहूँ खा जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए स्टाफ हमारे यहाँ लगा हुआ है, फिर भी कोशिश प्रयास हो रही है, जबकि बाउंड्री चारों तरफ क्योंकि उसका जो है प्रस्ताव भेजा जा चुका है, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, बाउंड्री बनने बिल्कुल बनने वाली थी, बनना शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो है काम बंद हो गया है, बाउंड्री बन जाएगी, ये सारी व्यवस्था अपनी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, अब ये नुकसान से बचा। जो ये बाउंड्री बनेगा तो क्या इसमें जो रोड है ये भी सम्मिलित है क्या, रोड का निर्माण भी होगा? हाँ, 4,39,00,000 जो है मंडी परिषद ने स्वीकृत किया है, इससे जो है रोड बनेगी, बाउंड्री बनेगी, दुकानों की जो है मरम्मत होगी और मंडी ऑफिस जो है मरम्मत होगी, एक भव्य मंडी का निर्माण इससे जो है बहुत अच्छा हो जाएगा।